एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आबू काफी ज्यादा भूखी होती है उसके लिए वेजिटेरियन फूड लेकर आती है और उसे बताती है कि बड़े मालिक घर वापस आने वाले हैं इसीलिए घर के सभी लोग फास्ट रखेंगे और किचन में कोई भी नॉन वेज फूड नहीं बनेगा हो सकता है कि शाम को सभी लोग गॉड बुद्धा के टेम्पल भी जाए उसकी इस बात को सुनकर आबू कहती है की ये गॉड बुद्धा क्या है क्या ये कोई खाने वाली चीज है इस पर जियांग ज्यांग गॉड बुद्धा से अपने के के कहे गए शब्दों लिए माफी मांगने लगती है इस पर आप उसे बुद्धा के के बारे में बताने लिए इंसिस्ट करती है तो जियांग उसे बताती है कि गॉड बुद्ध काफी पावरफुल हैं। वो हम इंसानों की दुख तकलीफों को दूर करके हमारी हेल्प करते हैं वो हमारी विशेष को पूरा करते हैं इसीलिए सभी उनकी वर्शिप करते हैं इस पर आबू पूछती है कि क्या वो उड़ सकते हैं जियांग कहती है कि हाँ बिल्कुल फिर वो पूछती है कि क्या वो किसी भी वक्त किसी भी बंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं जियांग कहती है कि हाँ क्यों नहीं इस पर आबू उसकी बातें सुनकर खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि बुद्धा भी उसी की तरह एक एलियन है वो जियांग से पूछती है कि वो कहाँ रहते हैं जियांग कहती है कि वो आसमान पर रहते हैं इस पर आप वो अपना एलियन डिटेक्टर लेकर गॉड बुद्धा को आसमान में ढूंढने लगती है इस पर जियांग उसे हैरानी से देखती है और उसे पूछती है कि मालकिन आप ये क्या कर रही हैं इस पर आबू उसे बताती है कि मैं गॉड बुद्धा को ढूंढ रही हूँ ज्यांग उसे बताती है कि वो यहाँ नहीं मिलेंगे आबू से पूछती है कि तब वो कहा मिलेंगे ज्यांग उसे बताती है कि वो टेम्पल में मिलेंगे सभी लोग उनसे ब्लेसिंग लेने टेम्पल ही जाते हैं ये सुनकर आबू खुश होती है और कहती है कि लगता है इस प्लेनेट पर मेरे प्लेनेट का स्टेशन मौजूद है फिर वो जियांग से कहती है कि मैं बुद्धा से मिलने टेम्पल जाना चाहती हूँ वह टेम्पल जाने के लिए बाहर निकलती है तो वहां मेड जीली एक गार्ड के साथ उसे रोकने के लिए मौजूद होती है गार्ड कहता है कि बड़ी मालकिन का ऑर्डर है कि आपको बाहर ना जाने दिया जाए इस पर आप उसके सर पर एक ईंट मारकर उसे बेहोश कर देती है तो मेट झीली डटकर उसके रास्ते में उसे रोकने के लिए खड़ी हो जाती है इस पर आप गुस्से में अपने दोनों हाथों में ईंट लेकर उसे मारने की कोशिश करती है और जियांग उसे रोक लेती है मजबूरन उसे वापस अपने रूम के अंदर आना पड़ता है वो काफी सैड और डिसअपॉइंट होती है तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जियांग को अपना प्लान समझा कर उसकी हेल्प करने के लिए जिया को लेकर आने के लिए कहती है इधर किंग क्राउन प्रिंस जेंगली से बातें कर रहा होता है तभी वहाँ नेशनल टीचर आ जाते हैं इस पर किंग उनसे इजाजत लेकर वहां से चला जाता है नेशनल टीचर प्रिंस जेंगली को आर्मी के एक ऑफिसर की खाली पोस्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर इस पोस्ट पर प्रिंस लिफू का कोई वफादार अपॉइंट हो जाएगा तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा इस पर इस पर पर किंगफेंग किंगफेंग का नाम सजेस्ट करता है वो कहते हैं कि तो पहले से ही आर्मी का जनरल है और सबसे बड़ी बात कि इस पोस्ट के लिए हमें रॉयल फैमिली के रिलेटिव्स में से कोई एक बंदा चाहिए इस पर जेंगली सोच में पड़ जाता है इधर किंगफेंग अपनी अपने कैरेज में जा रहा होता है तभी वहां वहा पीछे से आता है और किंगफेंग को बताता है कि मुझे राज दरबार से एक बहुत ही काम की खबर मिली है कि किंग के ऑर्डर पर क्राउन प्रिंस किंगयून को जो वेडिंग गिफ्ट देने वाले हैं वो टेंपल में रखी हुई एक होली प्रिंस या सेवेनली स्टोन है जिसकी हेल्प से बीमार बंदे को उसके प्रीवियस वर्जन में कन्वर्ट करके उसे ठीक किया जाता है मुझे लगा कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए क्योंकि इससे हम किंगये को भी ठीक कर सकते हैं उसकी ये बात किंगफेंग को समझ आती है और वो कैरेज ड्राइवर को गाड़ी टेंपल की ओर मोड़ने के लिए कहता है इधर जियाओ रोई ने कैप्टन डुओ का जंजीरों में जकड़ा होता है वो उनसे पूछताछ कर रही होती है उसे लग रहा होता है कि वो पड़ोसी देश के भेजे हुए कोई जासूस हैं और यह हमें को ये पता चलता है कि उसने किंगफेंग कोन के बारे में जो कुछ भी कहानी बताई थी वो झूठी थी जियाओ रोई उनसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो कैप्टन डुओ कहते हैं कि मेरी बातों का तुम्हें यकीन नहीं आएगा मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ मैं एक कैट हूँ अरे नहीं मैं कैट नहीं मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूँ कैप्टन डु की इन बातों को सुनकर ज्यारु इरिटेट होती है और उन्हें दो चार कोड़े जड़ देती है इस पर कैप्टन डु कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था तो तुम आराम से बोल देती इस पर मारने की क्या जरूरत थी जिया रुई कहती है कि तुम्हारा बॉस कौन है और तुम्हारा तैंगे से क्या रिलेशन है कहीं तुम दोनों साथ मिलकर काम तो नहीं करते हो वो उनसे एक के बाद एक सवाल पूछे जा रही होती है तभी वहा उसकी एक गार्ड आती है और उसे बताती है कि तैंग फैमिली से कोई आया है और वो आपसे मिलना चाहता है इस पर जियारुई कैप्टन डुओ पर कोड़े बरसाने के लिए दो बंदियों को तैनात करके वहां से चली जाती है इधर जियांग मेन हॉल में उसका वेट कर रही होती है तभी वहा आती है तो जियांग उसे कहती है कि मेरी मालकिन एक लंबे अरसे तक बीमार रहने के बाद अब बेटर फील कर रही हैं इसलिए वो टेंपल जाना चाहती हैं और मैंसन के स्ट्रिक्ट रूल की वजह से वो मैं से बाहर नहीं जा सकती क्या आप उन्हें टेंपल तक पहुंचा देंगी इस पर जिया और एग्री हो जाती है वो आबू को लेकर टेंपल जाती है टेम्पल पहुंचकर आबू हर तरफ और हर बंदे में गॉड बुद्धा को ढूंढने लगती है तभी वहा किंगफेंग पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम घर पे नहीं रह सकती घर से बाहर निकलकर तमाशा करना तुम्हें अच्छा लगता है इस पर जियावरोही कहती है कि इसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ वो अकेले नहीं आई है तभी जियाओ सेंग उसे बता देता है कि एक्चुअली हम लोग किंगे को ठीक करने के लिए होली फैमिली स्टोन के लिए यहाँ आए हैं होली स्टोन का नाम सुनकर सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं इसके बाद किंगे टेम्पल के अंदर जाने की कोशिश करती है तो जियांग उसे रोक लेती है क्योंकि उसे अब मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा होता है लोगों की भीड़ भी उनका पीछा करती है तो जियाओ सैंग उन्हें बढ़ा चढाकर होली स्टोन के बारे में बताने लगता है इस मौके का फायदा उठाकर आबू जियांग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर दूसरे बंदे का हाथ थमा देती है और खुद टेम्पल के अंदर चली जाती है सभी मुड़कर देखते हैं तो पीछे किंगे नहीं होती इस पर वो सभी हैरान होते हैं इधर आबू एक मोंग को देखती है वो उसे बुद्धा समझती है और उसे लगता है कि वो भी एलियन है वो उसकी दाढ़ी पकड़कर हिलाती है और उसे दोबारा अपने प्लेनेट तक जाने का तरीका पूछती है मॉन्क को उसकी बातें समझ नहीं आती तो अब वो टेम्पल के अंदर जाने की कोशिश करती है इस पर मॉन्क अपने मार्शल आर्ट वाले स्टूडेंट्स को दिखाकर उसे डराता है तो आबू उसे अपनी ईंट मारकर बेहोश कर देती है इस पर सारे स्टूडेंट रिलैक्स फील करते हैं और आपस में बातों में मगन हो जाते हैं इसके बाद के अंदर जाती है। उसे सामने रखे एक चमकीले बॉक्स में अपने प्लेनेट की एक डिवाइस मिल जाती है इसी डिवाइस को वो सभी होली प्रीम स्टोन कहते हैं और इसी से लोगों का इलाज करते थे आबू उसे ओपन करती है तो उसे सामने प्रीवियस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला एक ऐप का इंटरफेस नजर आता है इस पर आबू सोचती है कि इस ऐप की हेल्प से मैं दोबारा से प्रीवियस फॉर्म में जाकर कैप्टन डुओ को बचा लूंगी और फिर उनको ये डिवाइस दिखाकर वापस अपने प्लेनेट जाने का कोई रास्ता भी ढूंढ लूंगी वो ये सब कुछ सोचकर खुश हो रही होती है तभी एक मॉन्ग आकर डिवाइस को दोबारा से उसे छीन कर बॉक्स में रख देता है इतने में वहा रॉयल सोल्जर्स भी आ जाते हैं जिस पर आबू का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है और वो सैड हो जाती है यही ये पार्ट एंड होता है तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय